टीकमगढ़ जिले की बड़ागांव तहसील के अंतर्गत जमुना खेरक की शासकीय भूमि से कब्जे हटाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। प्रशासन के आदेश के अनुसार आज इस भूमि से अतिक्रमण हटाया जाना था, लेकिन ये खबर फैलते ही वहां हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हो गए और प्रशासन को कोरोना का बहाना लेकर कार्रवाई को टालना पड़ा। प्रशासन के बताए अनुसार पठार की शासकीय भूमि पर पुष्पेंद्र यादव और उनके परिजनों द्वारा अवैध कब्जा कर मकान का निर्माण किया गया था, जिस भूमि पर से प्रशासन ने उन्हें नोटिस जारी किए और कब्जा हटाने के लिए कहा, लेकिन उनके द्वारा कब्जा न हटाए जाने पर की बात कही गई। वहीं पुष्पेंद्र के समर्थन में पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह बुंदेला और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष महेश यादव आ गए। उन्होंने इस कार्रवाई को नेताओं के इशारे पर होना बताया। पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि पुष्पेंद्र राजनीति का शिकार हो रहे हैं, प्रशासन राजनेताओं के दबाव में आकर कार्रवाई करना चाहती है। 84 में माननीय अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने घोषणा करी थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो जहां काबिज है उसको वहां का पट्टा दिया जाएगा। अब उसमें उस समय ये बात नहीं हुई थी कि कौन सी भूमि कैसी है, कहाँ किसका कब्जा है, लेकिन कब्जे के आधार पर पट्टे देने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी और उसके उसी के तहत जो है ये पट्टे आवंटित किए गए थे। उस समय ये ग्राम पंचायत थी, ग्राम पंचायत के बाद नगर पालिका क्षेत्र में आ गई, नगर पंचायत क्षेत्र में आ गई। नगर पंचायत ने भी इसका संपत्ति कर निर्धारित किया, विधिवत तरीके से जो है इनको संपत्ति कर का पैसा इनसे जमा कराया, इन्हें अधिकार पत्र दिया कि नहीं ये आपकी ज़मीन है और आप इस पर मकान बना के रह रहे हैं। अब ऐसी क्या बात आ गई कि 84-86 के बाद से लगभग 20-25 साल के बाद ये बात आई कि साहब ये अवैध है, इसको जो है 35 साल के बाद ये बात आ रही कि इनको इनका अतिक्रमण हटा दिया जाए। अब आदमी अपने जीवन भर की कमाई जो है मकान बनाने में लगाता है और यहाँ से लेके आप बड़ागांव तक चलो हमारे साथ, तो रोड के दोनों तरफ जो है अतिक्रमण है। मैं किसी के गिराने की बात नहीं कर रहा हूँ, जीवन में मैंने किसी के मकान गिराने की कभी कल्पना ही नहीं करी है ना बात करी है, लेकिन सबसे पहले बड़ागांव से शुरू करें ये लोग और यहाँ तक आए तो ये तो गलत बात है ना कि ये किसी के कहने से जो है राजनीतिक विद्वेष की दम पे किसी का मकान गिराने की कार्रवाई करें। आज प्रकाश का गिराएंगे, कल किसी दूसरे का गिराएंगे, परसों किसी तीसरे का गिराएंगे, तो ये क्रम जो है कभी बंद नहीं होगा। सरकारें आती हैं जाती हैं, बदलती रहती हैं, जनप्रतिनिधि के कर्तव्य भी बदलते रहते हैं। ऐसे में अधिकारियों को कम से कम मोहरा नहीं बनना चाहिए और अधिकारी ये ना भूलें कि सरकारें आती जाती रहती हैं, बदलती रहती हैं, और अगर इस तरीके से मनमानी करेंगे तो हम लोग भी जो है विचार करेंगे इस बात पर कि कौन कौन से लोग भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, हम इन बातों में ध्यान रखेंगे। तो हमारा अनुरोध है कि ये आग है, इस आग में हाथ डालने की कोशिश ना करें, अगर भी ऐसी कोशिश करेंगे तो उन्हीं के हाथ जलेंगे, हम लोगों का कुछ होने वाला नहीं है। किसके कहने पर ये सब हो रहा है? ये जो है राजनीतिक विद्वेष की दम पर हो रहा है कि किस जैसा आपको अभी दादा यादवेंद्र सिंह जी ने भी बताया है, ये प्रकाश यादव का मैटर है। जब यहाँ अंतोरा पंचायत थी तो अंतोरा पंचायत के द्वारा जब अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे 10 अक्टूबर 1984 में माननीय अर्जुन सिंह जी ने ये कहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो जहां काबिज है उनको पट्टे वितरित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश शासन के आदेश अनुसार इनको 86 में पट्टा वितरित किया गया और फिर ये हिस्सा नगर पंचायत बड़ागांव में आ गया है और लगातार नगर पंचायत में सर्वे के आधार पर इनका मकान अंकित है और उसी दिन से आज लगातार संपत्ति कर का जो भुगतान कर रहे हैं। उसके बावजूद भी यहाँ से लेके बड़ागांव तक 2.5 किलोमीटर रोड के दोनों तरफ जो भी मकान बने हैं वो भी इसी पोजीशन में है, पंचायत के पट्टे के आधार पर या अन्य कब्जे के आधार पर, लेकिन प्रकाश यादव या इनके परिवार वालों को ही टारगेट बनाया जा रहा है, चाहे उनकी पटेती भूमि हो, 20-20 साल की इनकी जो तरबी में है वो निरस्त कर दूसरे लोगों की तरबी में वहाँ बैठाई जा रही हैं और ख़ास तौर से पूरे ज़िले में यादव समाज के लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है, चाहे पहाड़ी सरपंच का मामला हो, जबकि ऐसी पूरी 400 पंचायतें जो टीकमगढ़ ज़िले में हैं। ये ग्राम जमुनिया खेरा में ये दो अतिक्रमण के प्रकरण थे, काफ़ी पुराने भी हो गए थे और उनमें अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जानी थी। इसके पहले भी 9 तारीख को उनको नोटिस दिया था लेकिन उनके द्वारा खाली नहीं किया गया, तो आज हटाने की कार्रवाई थी
लेकिन कोरोना के बढ़ते हुए उसको देखते हुए चूँकि अपन को पुलिस वाला उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, इस वजह से आज की कार्रवाई रोक दी गई थी। सर यहाँ पे भीड़ भी एकत्रित हुई, हजारों की संख्या में लोग एकत्रित थे। हाँ, वो लोग इसलिए कि ये क्यों हटाया जा रहा है, काफ़ी दिन से वो मकान बना हुआ है, तो हो सकता है उसके लिए कहने के लिए आए थे कि ऐसी क्यों कार्रवाई की जा रही है, क्यों हटाया जा रहा है। मेरा प्रकरण कोर्ट में भी है, कोर्ट में उनके प्रति व्यवहार न्यायाधीश वर्ग दो माननीय द्वारा स्टे नहीं दिया गया था, इस वजह से अपन वो कार्रवाई कर रहे थे। टीकमगढ़ से ईएमएस टीवी के लिए आमिर खान की रिपोर्ट।